मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा का महाषड्यंत्र, ये आरोप जो है लग रहा है और कांग्रेस पार्टी ने एक शिकायत भी एसीबी में की है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है और सरकार क्या उस एंगल पर भी जाँच करवा रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी दोनों मिले हुए हैं, इसका प्रमाण आपके पास है। ईडी का प्रेस विज्ञप्ति बाद में जारी होता है, रमन सिंह पहले जारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेज में पहली बात आती है और उसके बाद ईडी एक्शन लेती है, इसका मतलब उसका गठजोड़ है। और ये लोग जो जो जानकारी देते हैं वहाँ वहाँ वो रेड डाल रहे हैं। धोखे से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ एक आध बार रेड डाले हैं। ईडी वालों को कैसे पता कांग्रेसी कौन है और भारतीय जनता पार्टी कौन है? 3 साल हो गए आईटी और ईडी को, यहाँ एक बार भी धोखे से किसी टुटपुंजिया भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर भी रेड डाला हो तो बता दो, सब कांग्रेसियों के डाल रहे हैं। तो इसका मतलब बता कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसी हिसाब से वो इधर रास्ता दिखा देते, इधर चल लेते हैं, इधर रास्ता दिखाए तो उधर, इधर रास्ता दिखाए इधर, वो वहीं जाते हैं। तो कुल मिला के एक गठबंधन इनका है और भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए मैंने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही थी। और अब ईडी गलत कर रही है, उसकी जांच कौन करेगा? कहाँ शिकायत होगी? कोई सुनने वाला है? उसको तो अभयदान दे दिया गया, भस्मा शुरू बन गए, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से भी और पावरफुल होकर निकल गए।